मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत बड़ा अवार्ड हमको मिला, हमारे भारत सरकार के कृपा से मिला है, और पूरे देशवासियों को हम आशीर्वाद देते हैं कि सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, और प्रसन्न रहने से आगे बढ़ता है, हमारा देश दिनों दिन आगे बढ़े। और आज 26 जनवरी है, उस उपलक्ष में हमारे देश के जो वीर बहादुर सिपाही बलिदान दिए हैं अपना, उस पर हम एक छोटा सा चीज सुना देते हैं। हिंद के अमर शहीदों तुमको है मेरा शत बार प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम, शत शत बार नमन उनको जो प्राण की आहुति दे डाले, तन मन धन को किए निछावर माँ का कर्ज चुका डाले, यह गणतंत्र दिवस आया, यह गणतंत्र दिवस आया, उन सब की याद दिलाने को, सूली पर जो चढ़े खुशी से माँ की लाज बचाने को, जनगण मन के साथ करें, जनगण मन के साथ करें 26 जनवरी का सम्मान, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम, अमर शहीदों को प्रणाम। गुरु जी, कम शब्दों में अगर जानना चाहें तो इतनी लंबी जो यात्रा है, 85 बसंत आपने देखे हैं, और पद्म विभूषण दोनों को सामने रखा जाए तो कितनी बड़ी ये यात्रा रही, और अब पद्म विभूषण मिलने जा रहा है आपको, ये जो यात्रा है अपने जीवन की उसको किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत कष्ट करके तब इस यात्रा में हम पहुंचे हैं, और ये बहुत कठिनाई होती है, ये सब अवार्ड तभी मिलता है जब उस योग्य होता है आदमी, और प्रभु के कृपा से, गुरु के कृपा से, और गुरु कौन है, गुरुम शंकर रूपिण, हमारे शंकर भगवान ही गुरु हैं, और हमारा ये सिद्धांत है कि काशी कभी न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, विश्वनाथ का दरबार मत छोड़िए, यहीं से बैठे बैठे सब प्राप्त हो जाता है। और हम अपने देशवासियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि स्वस्थ रहें, हमारा देश दिनों दिन उन्नति करे, और सब कोई प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें, हमारा देश, हमारा यही शुभकामना है सबको, और पूरे देशवासियों को आशीर्वाद है। भारत रत्न अब कितनी दूर है, अब लालसा है भारत रत्न भी मिले, और ये जो सबसे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पद्म सम्मान, उससे आप सुशोभित हो, आप लोगों की शुभकामना होगी तो वो भी मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मिला उसी में संतोष करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये हमारे शंकर भगवान की कृपा से मिला है, हमारे भारत सरकार की कृपा से मिला है, हम सबको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला, और हम अपने सरकार को बधाई देते हैं कि सरकार की तरफ से मिला है, और हमारे देश का भलाई हो, और सबको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे देशवासियों को, क्यों कि अब आशीर्वाद देने का उम्र हो गया है, 85 साल का उम्र है, अब आशीर्वाद देते हैं सब देशवासियों को, सब लोग आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े, और सबका सुरक्षा बना रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। हमको ये बड़ी खुशी हुई है कि इतना बड़ा अवार्ड हमको मिला है, और भगवान शंकर की कृपा से मिला है, क्यों कि गुरु शंकर रूपिणम, भगवान शंकर सबके गुरु हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मिला, हम इसीलिए काशी कभी न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, हम काशी कभी नहीं छोड़े, और उसका फल हमको मिल गया। धन्यवाद।